हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। बात करते हैं आज के वीडियो को लेकर के, करंट अफेयर्स 6 अगस्त 2018। तो देखते हैं क्या कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताएँ वीडियो आपको कैसा लगा। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स को लेकर के। इसमें सबसे पहला इसमें सवाल लिखा हुआ है आपके सामने, हाल ही में अमेरिका की पहली प्राइवेट स्पेस शिप कौन उड़ाएगा। ये है सवाल। ऑप्शंस में है शिवांगी स्वरूप, विनीता गर्ग, सुनीता विलियम्स और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं जो है उत्तर स्पष्टीकरण को लेकर के। तो सुनीता विलियम्स जो है नासा की, वो जो है अमेरिका की पहली प्राइवेट स्पेस शिप जो है उड़ाएंगी। अगर बात की जाए जो है नासा को लेकर के, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, NASA, हिंदी में भी लिखा हुआ है। अगर शुद्ध हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन कहते हैं इसको। यूएसए की जो है, यूएसए गवर्नमेंट की जो है एक शाखा वो हो सकते हैं आप इसको, जिसका जो काम है वो है देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व एरोनॉटिक्स और एरोस्पेस संशोधन के लिए जो है जिम्मेदार है या उसके लिए ये काम करती है। तो ये हो गई जो है बात आपकी नासा को लेकर के। तो सुनीता विलियम्स हैं नासा की, तो अमेरिका की वो पहली प्राइवेट स्पेस शिप जो है उड़ाएंगी। चलिए अगले सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। आप ये देख रहे होंगे, ये यही है सुनीता विलियम्स, इनकी फ़ोटो आप देख रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा बना है। ऑप्शंस में है जापान, चीन, अमेरिका और भारत। तो अगर बात की जाए दूसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार, तो आपका आंसर है वो है पहला जापान। उत्तर स्पष्टीकरण की अगर बात की जाए जो है, तो जापान जो है वो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार मार्केट जो है वो बना है। इसमें है अगर बात की जाए जापान को लेकर के, तो एशिया महाद्वीप में जो है ये स्थित है देश। जापान जो है वो चार बड़े और अनेक छोटे द्वीपों का समूह है। कहने का मतलब है एक आइलैंड की तरीके से है, जिसमें चार मेजर जो है आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे और कई छोटे छोटे जो है आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर द्वीपों की बात की जाए, तो पूर्व समुद्र तट यानी प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन में ये स्थित है सारे के सारे। अगर निकटतम देशों की बात की जाए, तो चीन, कोरिया, रूस हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आपके उसमें पूछा जाता है, कई कॉम्पिटेटिव पेपर्स में पूछा भी गया है कि जापानी संसद का नाम क्या है, तो डायट है। और यहाँ के जो इस समय के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो हैं शिंजो आबे, ठीक है। तो ये हो गए आपके इम्पोर्टेंट सवाल में, आप इनको भी याद कर सकते हैं बिल्कुल। आगे अगर मैं बात करूं जो है नेक्स्ट, नवजात मृत्यु दर सबसे ज़्यादा किस देश की है। नवजात मृत्यु दर की बात हो रही है, 0 से 5 वर्ष के बच्चों की बात हो रही है नवजात में जो है। ऑप्शंस में पाकिस्तान, भारत है, नेपाल, अफगानिस्तान है। तो अभी हाल ही में अगर बात की जाए कल ही के उसमें जो है, तो भारत में हर 1000 बच्चों में 29 जो है मौतें यहाँ हर साल होती हैं देखने को मिलती है अगर बात की जाए तो। और जिनमें यूपी के जो ज़िले हैं 75 ज़िले जो हैं उनमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। 75 ज़िलों में सबका जो हाल है वो एक तरीके से ख़राब स्थिति है, वैश्विक मानक को पूरा वो नहीं अभी तक कर पाए हैं। और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक जो है ये जो बाल मृत्यु दर का जो वैश्विक मानक है उसको भी पूरा करने में असक्षम होंगे। मीन टू से कि अभी काफ़ी दूर है उसको पूरा करने में भी। तो नवजात मृत्यु दर एक सबसे बड़ी चीज़ जो है अगर बात की जाए तो लेकर के इसको, ठीक है, 0 से 5 वर्ष के बच्चों तक की उसमें बात की जाती है। चलिए अगला सवाल उसमें बात कर लेते हैं। अगला है, हाल ही में विश्व की पहली अंतः ज्वारीय कला गैलरी यानी कि इंटर टाइडल आर्ट गैलरी कहाँ बनाई गई है। तो इंटर टाइडल आर्ट गैलरी की बात की जाए, ऑप्शंस में मालदीव, दूसरा अंडमान और निकोबार, गोवा है, लक्षद्वीप है। तो उत्तर आपका है मालदीव। उत्तर स्पष्टीकरण में जो है अगर बात की जाए, तो इसका जो नाम है अंतः ज्वारीय कला गैलरी का वो है कोरलारियम करके नाम है, मालदीव में बनाई गई है। तो अगर मालदीव को लेकर के बात की जाए, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये है आपका जो है मैप। अगर यहाँ पे बात की जाए इधर, तो पूरा पूरा हिंद महासागर नीचे की तरफ, ठीक है, और यहाँ पर ये श्रीलंका आपको दिख रहा होगा और उसके नीचे, मतलब कहने का मतलब है आपका वेस्ट साउथ में, साउथ वेस्ट में जो है ये रहा आपका मालदीव, ठीक है, यहाँ पे आपका है मालदीव, ये हिंद महासागर के उसमें। तो कुछ पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं कि हिंद महासागर के में स्थित जो है एक द्वीप देश है, कहने का मतलब एक आइलैंड है। आइलैंड का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए कि ऐसा लैंड जो कि चारों तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ हो। तो आप यहाँ पर देखेंगे
यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका मालदीव है वो किस तरीके से ये चारों तरफ आपका हिंद महासागर फैला हुआ और बीच में मालदीव है, ठीक है। तो आइलैंड उसी को बोलेंगे, ऐसे ही आपका जापान था। तो इसमें क्या है, लक्षद्वीप टापू जो है कि उत्तर दक्षिण दिशा में है, उत्तर दक्षिण दिशा में जो है ये आपको देखने को मिलेगा। यह श्रीलंका की अगर बात की जाए तो वहां से दक्षिण पश्चिम दिशा में करीब 700 किलोमीटर 1435 माइल्स की दूरी पर स्थित है। मैं बात कर रहा हूँ जो है अभी मालदीव को लेकर के। ऐसे में देखेंगे तो ये है आपका मालदीव का जो है मैप। ऐसे यहाँ पर इंडियन ओशियन देखने को मिलेगा, यहाँ की जो कैपिटल है वो है माले, यहाँ पर श्रीलंका है जो इसके जस्ट ऊपर है, और श्रीलंका के आप देखेंगे ऊपर या अगर बात करें जो है वेस्ट नॉर्थ में तो आपको इंडिया देखने को मिलेगा। कुछ बातें मालदीव को लेकर के यहाँ पर लिखी हुई हैं। कैपिटल माले है, यहाँ की अगर मुद्रा की बात की जाए तो मालदीवियन रुपया है, इसको शॉर्ट में MVR लिखते हैं, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं ऐसे रुपया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर MVR है। राष्ट्रपति यहाँ के हैं अब्दुल्लाह यामी। राजभाषा की बात की जाए तो द्विवेही या इसमें MAHL लिखा हुआ है, ध्यान रहे ये, ठीक है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो कुल 298 वर्ग किलोमीटर, कुल देशों की बात की जाए 206वां स्थान जो है 206th प्लेस देखने को मिलता है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई जो है आपके मालदीव कंट्री को लेकर के। अगले सवाल पर आते हैं, इसमें लिखा है हाल ही में भारत ने मुक्त व्यापार हेतु, मुक्त व्यापार ध्यान रहे फ्री ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, फ्री ट्रेड, ठीक है, मुक्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो FTA होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। फिलहाल यहाँ पर FTA मुक्त व्यापार हेतु किस देश के साथ वार्ता आयोजित करने का निर्णय लिया है, ऑप्शन में श्रीलंका, जापान, चीन, USA। तो श्रीलंका है इसमें उत्तर आपका जो है पहला। तो अगर बात की जाए श्रीलंका के साथ में इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है एक तरीके से या वार्ता करने के लिए जो है इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं भारत ने। अगर राजधानी की बात करें श्रीलंका की तो यहाँ की राजधानियाँ दो देखने को मिलती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो है श्री जयवर्धना पुराकोट्टे, और वहीं अगर बात की जाए कॉमर्शियल की तो वो है आपकी कोलंबो, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कोलंबो। और सबसे लार्जेस्ट सिटी भी जो है वो है कोलंबो श्रीलंका का। यहाँ के जो इस समय के राष्ट्रपति हैं वो है मैत्रीपाला सिरिसेना, और जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यहाँ की वो हैं आपकी सिंघलीज, यहाँ ध्यान रहे सिंघलीज और तमिल, ये दो लैंग्वेजेस आपको जो है श्रीलंका में देखने को मिलती हैं। तो आप देख रहे होंगे जैसा कि ये मैप में आपको श्रीलंका यहाँ पर दिख रहा है, ये रहा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित यूरोपियन टूर खिताब किसने जीता है, यूरोपियन टूर खिताब बोले या फिजी इंटरनेशनल खिताब की बात करें हम, तो सबसे पहली बात इसमें ऑप्शंस में है पीवी सिंधु, गगनजीत भुल्लर, मनजीत सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए यूरोपियन टूर की जो बात है वो आप जब बात करेंगे तो आपका गोल्फ से रिलेटेड है, पीवी सिंधु इसमें वैसे भी नहीं आएंगी। तो आपका जो उत्तर है वो है गगनजीत भुल्लर, सॉरी यहाँ पे जो सेकंड है गगनजीत भुल्लर, ये आपके उत्तर होंगे। बात की जाए भारतीय गोल्फर गगनजीत भुल्लर ने जो है अंतिम दौर में अगर बात करें 6 अंडर 66 के शानदार स्कोर के साथ, इसमें जिनको इन्होंने हराया है उनका नाम है नटाडोला बे, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है उनका, नटाडोला बे को जो है फिजी इंटरनेशनल खिताब जीता है उनको हरा करके। तो उनका यह पहला यूरोपीय टूर खिताब था। बात की जाए भुल्लर को लेकर के तो 30 साल के भुल्लर इसके साथ ही एशियाई टूर पर भारत के सबसे सफल खिलाड़ी बन गए हैं, वो ऑस्ट्रेलिया टूर पर जीत दर्ज करने वाले पहले भारतीय भी हैं। तो ये बात हो गई जो है यूरोपियन टूर खिताब को लेकर के, विजेता है गगनजीत भुल्लर। चलिए ये रही इनकी जो है पिक गगनजीत भुल्लर की, आप देख सकते हैं इनको। दोस्तों वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, करंट अफेयर्स हर एक की जैसे बोलते हैं बैकबोन, हर एक एग्जाम का रीढ़ की हड्डी ही है, इसके बिना आपका जो है आप एक तरीके से परिकल्पना जो है मुश्किल है किसी भी पेपर को क्लियर करने में। चलिए अगला सवाल, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कौन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बना है यानी नंबर वन खिलाड़ी बना है, ऑप्शंस में है रोहित शर्मा, विराट कोहली, उसके बाद तीसरे हैं MS धोनी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है आपका दूसरा विराट कोहली। उत्तर स्पष्टीकरण में देख लेते हैं, विराट कोहली जो है वो अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में नंबर एक खिलाड़ी बनके जो है उभरे हैं। अगर बात की जाए जून 2011 से तो सचिन के बाद यह पहला मुकाम हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं। चूंकि मैं बता दूं इस समय इंग्लैंड के खिलाफ जो है जो सीरीज चल रही है 5 टेस्ट श्रृंखला जो है इंग्लैंड के खिलाफ 1 अगस्त से उसमें जो है इन्होंने वो ये बनकर उभरे हैं टेस्ट में नंबर वन खिलाड़ी। अभी तक ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ जो है नंबर एक थे, उनको जो है इन्होंने पछाड़कर जो है नंबर वन टेस्ट रैंकिंग हासिल की है। चलिए ICC की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फुल फॉर्म स्थापना 1909 में लिखा हुआ है, हेडक्वार्टर जो है दुबई में है आपका, और जो इसके चेयरपर्सन है समय वो है शशांक मनोहर जी। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, और अच्छी तरीके से चित परिचित चेहरा विराट कोहली अच्छी तरीके से आप लोग जानते होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, इसमें लिखा है हाल ही में जिला स्तर पर IPPB
आईपीपीबी को पूरे देश में कौन लॉन्च करेगा? ऑप्शंस में है नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, अरुण जेटली, रामनाथ कोविंद। तो मैं बता दूं, आईपीपीबी जो है वो है आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। अभी तक ये पूरे देश में पहले से ही चालू था बिल्कुल, और अब क्या है इसको जिला स्तर पर जो है लागू किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। और इसके लिए जो लॉन्च करेंगे वो है जो इसमें वर्तमान प्रधानमंत्री हैं भारत के श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 21 अगस्त को जो है ये लॉन्च किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं लोगो आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। तो बस मित्रों, इतना ही था आज के वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें दोस्तों के साथ में, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारा फेसबुक पेज है इलेक्ट्रॉनिक स्टडी, उसको भी लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।